कुछ दिनों बाद एंजल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि एंजल ने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है। अब जेलर एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। एंजल उन्हें कहती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। इस बात का जेलर कोई जवाब नहीं देते और वो वापस आकर अपने दो गार्ड से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और कुछ ही देर बाद गार्ड सेल नंबर 7 में एक बॉक्स लेकर जाते हैं और उस बॉक्स में एंजल होती है। एंजल अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और ली भी बहुत खुश हो जाता है। ली समझ जाता है कि ये सब जेलर ने किया है। जेलर एंजल का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता है और वो अपने डैड से मिलने हर रोज़ सेल नंबर 7 में जाती है। अब एंजल बाकी सब कैदियों को भी सेल में पढ़ना सिखाती है। और एक दिन एंजल अपने साथ मोबाइल लेके जाती है क्योंकि इनमें से एक कैदी जिसकी अभी अभी बेटी हुई है, वो कैदी एंजल की मदद से पहली बार उसकी आवाज़ सुनता है। उसकी तस्वीर देखता है, वो अपनी पत्नी से भी बात करता है और वो एंजल को गले लगाकर बहुत रोता है। अब ली का कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और उसे जज के सामने बोलना होगा और अब उसको सच बताना होगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दरअसल उस दिन जब वो कमिश्नर की बेटी के पीछे जा रहा था तभी वो गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठता उसके आगे किसी और के गिरने की आवाज़ आती है और वो कमिश्नर की बेटी होती है। और जब ली वहाँ पहुँचता है उसके सर से बहुत खून बह रहा होता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई होती है। इसमें ली का कोई हाथ नहीं होता है और ली उसके कपड़े इसलिए लूज़ करता है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। और वो उसके मुंह में सांस इसलिए भरता है क्योंकि ली जहाँ काम करता है वहाँ उसे CPR देना सिखाया था और वो उसे CPR दे रहा होता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को लगा कि ली उस बच्ची का रेप करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने भी ली का स्टेटमेंट अच्छे से नहीं लिया। और ली और वो बच्ची दोनों इसलिए गिरे क्योंकि उस दिन बहुत ठंड होती है और हर जगह बर्फ़ जमी होती है और वो बर्फ़ में फिसल कर गिर जाते हैं। अब सबको समझ में आ गया होता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो पांचों कैदी एक सवालों की लिस्ट तैयार करते हैं जो उससे कोर्ट में पूछे जाएंगे और वो उसे उन सबका सही सही जवाब याद करवा देते हैं। अब एक दिन ली से मिलने कोर्ट में उसका वकील आता है। बजाय ली का स्टेटमेंट लेने के वो ली से कहता है कि अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होगा जो कमिश्नर की बेटी के साथ हुआ था। इस बात से ली बहुत घबरा जाता है और जब कोर्ट में उसका ट्रायल होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही कमिश्नर की बेटी का खून किया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जेलर चिल्ला के बोलता है कि उसका माइंड स्टेबल नहीं है, उसे कुछ और वक्त चाहिए। लेकिन जज अपना फैसला सुना देते हैं, वो ली को सजाए मौत देते हैं। वहीं एंजल भी होती है। उसे अपने पिता के स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है, उसे बहुत रोना आता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ली ने अपना स्टेटमेंट आखिर क्यों बदला। अब ली को वापस जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पर एंजल ली से मिलने आती है। वो ली से कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान हो, आपने बुरा काम नहीं किया, मुझे आप पर भरोसा है। एंजल ली को अपना रिजल्ट दिखाती है जहाँ उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले होते हैं और वो ली को ये भी बताती है कि वो पियानो भी सीख रही है। दरअसल जेलर ली की बेटी एंजल को अब अपने घर पर ही रखते हैं। एंजल भी जेलर से अटैच हो चुकी होती है। ली के साथियों को ये बात पता होती है कि ली के साथ जस्टिस नहीं हुआ और उस गुनाह के लिए उसे फांसी दी जा रही है जो कि उसने कभी किया ही नहीं। अब ली के साथी एक बहुत बड़ा बैलून बनाते हैं क्योंकि जेल के कैदी फुटबॉल बनाने का काम ही करते हैं। और 23 दिसंबर को जिस दिन ली को फांसी होनी है उसी दिन जेल में एक मिनिस्टर भी आएंगे और एंजल भी। और 23 दिसंबर को एंजल का बर्थडे भी होता है और जब प्रोग्राम हो रहा होता है वो साथी ली और एंजल को उस हॉट बैलून में बिठा देते हैं और बैलून की रस्सी खोल देते हैं। हालांकि वहाँ मौजूद गार्ड उस बैलून को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश में ये साफ नज़र आता है कि वे भी नहीं चाहते कि ली की फांसी हो। वो बलून इससे पहले कि आकाश की ऊंचाइयों में जाता, बलून की रस्सी वहीं उन्हीं कंटीली तारों में उलझ कर रह जाती है और बलून वहीं हवा में अटक जाता है। हालांकि ली को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये उसके भागने का प्लान है। वो अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर डूबते सूरज को देखता है। ली एंजल से कहता है कि इस दिन को कभी मत भूलना, ना ही अपने डैड को। मौजूद सभी गार्ड कैदी इस बात से दुखी हो जाते हैं कि ली यहाँ से नहीं भाग सका। ली को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। उसके साथ एंजल भी होती है क्योंकि आज एंजल का बर्थडे होता है। यहाँ मौजूद सभी एंजल को गिफ्ट देते हैं। ली भी एंजल को एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स को जब एंजल खोलती है तो उसमें सेलर मून बैग होता है, वही बैग जिसकी वजह से ली आज जेल में है, वही बैग जिसके लिए ली ने प्रॉमिस किया था। बैग को देखते ही एंजल के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल आ जाती है। इसके बाद एंजल ली के गले लग जाती है और सब कैदी रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज ली का आखिरी दिन होता है। अब ली अपनी बेटी को गेट तक छोड़ने आता है। वो एंजल से कहता है कि यहाँ से आगे तुम्हें खुद जाना होगा, तुम खूब मन लगा कर पढ़ना और बहुत आगे जाना,
मैं हमेशा तुम्हारे पास में रहूँगा और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तुम भी कभी किसी का गलत मत करना। अब गार्ड ली को अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो एंजल उसे देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी ली उसे देख लेता है और उसे वो फनी डांस करके बताता है कि जो वो अक्सर किया करते थे। एंजल भी वो फनी डांस करती है। इसके बाद गार्ड ली को ले जाता है लेकिन उस तरफ नहीं जहाँ सेल नंबर 7 है। ली समझ जाता है कि ये उसका आखिरी पल है, वो लास्ट टाइम एंजल को गले लगा लेता है। वो एंजल से लिपट कर खूब रोता है, एंजल भी खूब रोती है। वो सबसे कहता है कि मुझे बचा लो, मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी ली की मदद नहीं कर सकता। गार्ड, जेलर, ली के साथी, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, सभी ली के लिए दुखी होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। और 18 साल बाद एंजल, जो कि अब एक लॉयर बन चुकी है, वो अपने डैड का केस फिर से रीओपन करवाती है। हालांकि उसका डैड अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो उन्हें याद करती है। कोर्ट में वो 5 कैदी भी होते हैं जो कि ली की सेल में थे, और जेलर भी होते हैं। जेलर अब बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हैं और वो 5 कैदी भी अच्छे इंसान बनकर बाहर रह रहे होते हैं। कोर्ट में इन सब की गवाही से ये प्रूव होता है कि ली मानसिक रूप से बीमार था और पुलिस ने भी अपना काम अच्छे से नहीं किया होता है। और मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी ये प्रूव नहीं होता है कि उस बच्ची का सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था, उसका मोलेस्ट हुआ था। कोर्ट ली को बेगुनाह दोषित कर देती है, सभी खुश हो जाते हैं। एंजल, जिसे जेलर ने गोद ले लिया होता है, उसे बहुत प्यार देता है। 18 साल बाद ली को एंजल की वजह से न्याय मिल पाता है। आज एंजल को अपने पिता की बहुत याद आ रही होती है। अब एंजल जेल की उसी दीवार की तरफ जाती है जहां 18 साल पहले वो हॉट बैलून अटक गया था, और ख्यालों में अपने पिता को याद करती है। ख्यालों में वही बैलून दिखता है जिसमें कभी ली और एंजल अटक गए थे, लेकिन वो आसमान की तरफ देखती रहती है। लेकिन इस बार वो बलून अटकता नहीं है, वो दूर आसमान में खो जाता है।